फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपने कक्षा 11वीं के चैप्टर टॉर्च बेचने वाले को कवर करने वाले हैं। वह पहले चौराहे पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था। बीच में कुछ दिन वह नहीं दिखा, कल फिर दिखा, मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। मैंने पूछा, कहाँ रहे और ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? उसने जवाब दिया, बाहर गया था। दाढ़ी वाले सवाल का उसने जवाब यह दिया कि दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो? उसने कहा, वह काम बंद कर दिया, अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है, ये सूरज छाप टॉर्च अब व्यर्थ मालूम होते हैं। मैंने कहा, तुम शायद संन्यास दे रहे हो, जिसके आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है, किससे दीक्षा ले आए? मेरी बात से उसे पीड़ा हुई। उसने कहा, ऐसे कठोर वचन मत बोलिए, आत्मा सबकी एक है, मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रहे हैं। मैंने कहा, यह सब तो ठीक है, मगर यह बताओ कि तुम एकाएक ऐसे कैसे हो गए? क्या बीवी ने तुम्हें त्याग दिया? क्या उधार मिलना बंद हो गया? क्या साहूकारों ने ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया? क्या चोरी के मामले में फंस गए हो? आखिर बाहर का टॉर्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गया? उसने कहा, आपके सब अंदाज गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक घटना हो गई है जिसने जीवन बदल दिया है, उसे मैं गुप्त रखना चाहता हूं, इसलिए आपको सारा किस्सा सुना देता हूं। उसने बयान शुरू किया, 5 साल पहले की बात है, मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश एक जगह पर बैठा था। हमारे सामने आसमान को छूता एक सवाल खड़ा था। वह सवाल था, पैसा कैसे पैदा करें? हम दोनों ने उस सवाल को एक एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। हमें पसीना आ गया, पर सवाल हिला भी नहीं। दोस्त ने कहा, यार, इस सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं, इसे टाल जाए। हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, पर वह सवाल फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। तब मैंने कहा, यार, यह सवाल टलेगा नहीं, चलो इसे हल ही कर दें, पैसा पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा करें। हम इसी वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को इसी वक्त हम यहाँ मिले। दोस्त ने कहा, यार, साथी क्यों न चले? मैंने कहा, नहीं, किस्मत आजमाने वालों की जितनी पुरानी कथाएं मैंने पढ़ी हैं, सब में वे अलग अलग दिशा में जाते हैं, साथ जाने में किस्मतों के टकरा कर टूटने का डर रहता है। तो साहब, हम अलग अलग चल पड़े। मैंने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया, चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता और बहुत नाटकीय ढंग से कहता, आजकल इस सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रात बेहद काली होती है, अपना ही हाथ नहीं सूझता, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है, उसके पांव कांटों से भिज जाते हैं, वह गिरता है और उसके घुटने लहूलुहान हो जाते हैं, उसके आसपास भयानक अंधेरा है, शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, सांप जमीन पर रेंग रहे हैं, अंधेरा सबको निगल रहा है, अंधेरा घर में भी है, आदमी रात को पेशाब करने उठता है और सांप उसका पांव पड़ जाता है, सांप उसे डस देता है और वह मर जाता है। आपने तो देखा ये साहब, लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते थे, हरी दोपहरी में वे अंधेरे के डर से कांपने लगते थे, आदमी को डराना कितना आसान है, लोग डर जाते। तब मैं कहता, भाइयों, यह सही है कि अंधेरा है, मगर प्रकाश भी है, वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूं, हमारी सूरज छाप टॉर्च में यह प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देता है, इसी वक्त हमारे सूरज छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरों को दूर करो, जिन भाइयों को चाहिए ऊंचा हाथ करे। साहब, मेरे टॉर्च बिक जाते और मैं मजे में जिंदगी गुजारने लगा। वायदे के मुताबिक ठीक 5 साल बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां मुझे दोस्त से मिलना था। वह दिन भर मैंने उसकी राह देखी, वह नहीं आया। क्या हुआ? क्या वह भूल गया या अब वह इस आसार संसार में है ही नहीं? मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। एक शाम जब एक शहर के सड़क पर चल रहा था, मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी है और एक तरफ मन सजा है, लाउडस्पीकर लगे हैं, मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे हैं, मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे, वे खूब पुष्ट हैं, संवारी हुई लंबी दाढ़ी है और पीठ पर लहराते लंबे केश हैं। मैं भीड़ के कोने पर जाकर बैठ गया। भव्य पुरुष फिल्मों के संत लग रहे थे,
उन्होंने गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन शुरू किया। वे इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश के किसी कोने से कोई रहस्यमय संदेश उनके कान में सुनाई पड़ रहा है, जिसे वे भाषा दे रहे हैं। वे कह रहे थे, मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ, उसके भीतर कुछ घुस गया है। यह युग ही अंधकार में है, यह सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए। आज आत्मा भी अंधकार है, अंतर की आंखें ज्योतहीन हो गई, वे उसे भेद नहीं पाते। मानो आत्मा अंधकार में घुटती है, मैं देख रहा हूँ मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। इसी तरह वे बोलते गए और लोग स्तब्ध सुनते गए। मुझे हंसी छूट रही थी, एक दो बार दबाते आते भी हंसी फूट गई और पास के श्रोताओं ने मुझे डांटा। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत पर पहुंचते हुए कहने लगे, भाइयों और बहनों, डरो मत, जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। अंधकार में प्रकाश की किरण है, जिससे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है, प्रकाश भी है। प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो, अंतर में बुझी उस ज्योत की जगाओ। मैं तुम सबका उस ज्योत को जगाने के लिए आह्वान करता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर उसी शाश्वत ज्योत को जगाना चाहता हूँ। हमारे साधना मंदिर में आकर उस ज्योत को अपने भीतर जगाओ। साहब, अब तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। पास के लोगों ने मुझे धक्का देकर भगा दिया। मैं मंच के पास जाकर खड़ा हो गया। भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से पास से देखा। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा झिझका, पर मेरी तो दाढ़ी नहीं थी, मैं तो उसी मौलिक रूप में था। उन्होंने मुझे पहचान लिया, बोले, अरे तुम। मैं पहचान कर बोलने ही वाला था कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़ कार में बिठा लिया। मैं फिर कुछ बोलने लगा। उन्होंने कहा, बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वहीं ज्ञान की चर्चा होगी। मुझे याद आ गया कि वह ड्राइवर है। बंगले पर पहुंचकर मैंने उसका ठाट देखा। उस वैभव को देखकर मैं थोड़ा झिझका, पर तुरंत ही मैंने अपने उस दोस्त से खुलकर बातें शुरू कर दी। मैंने कहा, यार तू तो बिल्कुल बदल गया। उसने गंभीरता से कहा, परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। मैंने कहा, फिर साले फिलासफी मत बघार, यह बता कि तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली 5 सालों में। उसने पूछा, तुम इन सालों में क्या करते रहे। मैंने कहा, मैं तो घूम घूम कर टार्च बेचता रहा। सच बता, क्या तू भी टार्च का व्यापारी है। उसने कहा, तुम्हें क्या ऐसा ही लगता है। क्यों लगता है। मैंने उसे बताया कि जो बात मैं कहता हूँ वही तू कह रहा था। मैं सीधे ढंग से कहता हूँ तो उन्हीं बातों पर रसवें ढंग से कहलाता है। मैं अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टार्च बेचता हूँ। तू अभी लोगों को अंधेरे का डर दिखा रहा था, तू भी जरूर टार्च बेचता है। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं टार्च क्यों बेचूंगा। मैं साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूँ। मैंने कहा, तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तो तुम टार्च हो। तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे हैं। चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने, अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर अपनी कंपनी का टार्च बेचना चाहता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा ही अंधकार छाया रहता है। बताओ, तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हजारों में कभी भी यह कहा है कि आज दुनिया में प्रकाश फैला है। कभी नहीं कहा। क्यों। इसलिए कि उन्हें अपनी कंपनी का टार्च बेचना है। मैं खुद भरी दोपहरी में लोगों में कहता हूँ कि अंधकार छाया है। बता बता, किस कंपनी का टार्च बेचता है। मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया। उसने सहज ढंग से कहा, तेरी बात ठीक है, मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। मैंने पूछा, कहाँ है तेरी दुकान। नमूने के लिए एक आध टार्च तो दिखा। सूरज छाप टार्च से बहुत ज़्यादा बिक्री है उसकी। उसने कहा, उस टार्च की कोई दुकान बाजार नहीं है, वो बहुत सूक्ष्म, मगर कीमत उसकी बहुत मिल जाती है। तो एक दो दिन रह, तो मैं तुझे सब समझा देता हूँ। तो साहब, मैं 2 दिन उसके पास रहा। तीसरे दिन सूरज छाप टार्च की पेटी को नदी में फेंक कर नया काम शुरू कर दिया। वो अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा, बोला, बस 1 महीने की देर और है। मैंने पूछा, तब अब कौन सा धंधा करेंगे। उसने कहा, धंधा वही करूँगा, यानी टार्च बेचूँगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ।